देश के प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश बिहार इस राज्यों में जब जाते हैं भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ। आप अगर ओबीसी के बेटे, मैं कहती हूँ आप चाहे ओबीसी के बेटे हो, चाहे आप ब्राह्मण के बेटे हो, चाहे आप दलित के बेटे हो, चाहे आप मुस्लिम के बेटे हो, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मेरा संविधान वो बेटा जिसको आपने घड़े से पानी नहीं पीने दिया, जब भारत का संविधान लिखा अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारतीय आप लोग इतने ही काबिल है तो संविधान बना लो। ये परिभाषा है, अब हम करेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही। सीबीआई में कहीं है आप, सेक्रेटरी लेवल पे आप लोग हैं, यूनिवर्सिटी में चांसलर आप लोग हैं, जहां पर नीतियां बनती हैं हमें वहां हिस्सेदारी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ आगे आने वाला 2024 का चुनाव से पहले ये लोग जातिगत जनगणना करवा देंगे, ये दावे के साथ कहती हूँ। दांव पर सब कुछ लगा हम रुक नहीं सकते, दांव पर सब कुछ लगा हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर अब हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मैं आज सैल्यूट करती हूँ उन हमारे जावाद बहादुर भाइयों का जिन्होंने एक राष्ट्रीय ओबीसी महासभा का गठन करके ये साबित कर दिया है कि हम यूनाइट, पूरा ओबीसी यूनाइट है, और आज इस चीज को मैं दिल्ली में महसूस कर पा रही हूँ। मध्य प्रदेश में इस महासभा का गठन हुआ, लेकिन आज ये लोग दिल्ली में आकर के दिल्ली में बैठी हुई बहरी सत्ता को भी आगाह कर रहे हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो कि हम लोग अभी तक आंकड़ों के आधार पर कहते हैं 52, लेकिन वो आंकड़े सही नहीं है। मेरा मानना है कि ये अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, जो कि सरकार नहीं चाहती, सरकार की मंशा नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर ओबीसी जनगणना हो जाती है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि पार्लियामेंट में और राज्यों की विधानसभाओं में बनने वाली योजनाएं, परियोजनाएं, इन सब का लाभार्थ इस देश के बहुत बड़े तबके को मिलेगा। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट में पास होने वाले बजट का 10% हिस्सा भी इस देश की 90% आबादी को मिले। ये समस्या है। आज हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, 52% बताया जाता है ओबीसी को। क्या देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ओबीसी की जनगणना, ओबीसी की पहली जनगणना के उसके आधार पे हम 52% ही है, तो जनसंख्या फिर किसकी बनी है? डर इसलिए है जब ये बात होती है, मेरे भाइयों से अनुरोध है समझिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, मैं बहुत सारे केस कर रही हूँ, निर्भया केस में 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा कराई, उस संविधान के तहत मैंने फांसी की सजा कराई, जिस संविधान को खत्म करने के लिए हमारी सरकारें तुली हुई, क्योंकि उनको डर है कि आर्टिकल 340 इसको कैसे खत्म किया जाए, उसी ने तो हम लोगों को अधिकार दे दिया ओबीसी को। जब मंडल कमीशन आया उससे पहले काले कर रिपोर्ट आई, उसके बाद निरंतर आज हम आज भी यही मांग कर रहे हैं कि मंडल कमीशन को लागू किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश बिहार इस राज्यों में जब जाते हैं भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ। आप अगर ओबीसी के बेटे, मैं कहती हूँ आप चाहे ओबीसी के बेटे हो, चाहे आप ब्राह्मण के बेटे हो, चाहे आप दलित के बेटे हो, चाहे आप मुस्लिम के बेटे हो, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मेरा संविधान कहता है ये लड़ाई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ये लड़ाई संविधान की नीतियों को लागू करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मानवाधिकार की है, ये लड़ाई मौलिक अधिकारों,
जो सारी चीजें संविधान में समाहित है। मैं देखती हूँ जब हम अपना सिलेबस पढ़ते हैं, मैं सोचती हूँ कि एक देश की इतनी सशक्त महिला माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने पहला विद्यालय महिलाओं के लिए बनवाया, जिनके ऊपर कीचड़ छिड़का गया, आखिर वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या उनके बनाए हुए स्कूल के माध्यम से, क्या उनके पढ़ाए हुए सिलेबस से, क्या महिलाओं के मुहिम चलाए हुए उनके आंदोलन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नहीं पढ़ी थी? शिक्षा की अलग जगाने वाली ऐसी क्रांतिकारी महिला को हमने इतिहास में क्यों दफन कर दिया? उनकी जाति की बेटी, उनके जाति के बेटे ओबीसी के लोग ही क्यों उठाएंगे? इस देश की पार्लियामेंट उनको क्यों नहीं भारत रत्न दे रही? ये भेदभाव आपने महापुरुषों के लिए किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, जिस बेटे के साथ 121 साल पहले खड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, और आज वही बेटा इंद्र मेघवाल को आपने एक खड़े से पानी पीने के लिए पीट करके मार दिया, और वो बेटा जिसको आपने खड़े से पानी नहीं पीने दिया, जब भारत का संविधान लिखा, अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारतीय आप लोग इतने ही काबिल है तो अपने लिए संविधान बना लो, एक व्यक्ति नहीं समझ में आया कि भारत का इतना विविधता वाला मेरा देश, जहाँ केरल में अलग भाषा बोली जाती, अलग अंचल है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अलग भाषा बोली जाती, अलग खान पान है, पूरे भारत में समाहित करने वाला एक ही बेटा दिखाता, वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। कौन सा बेटा था, किस समाज का बेटा था? आपने उनको अछूत बना दिया। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस अछूत की परिभाषा को बदल दीजिए। इस देश में वो लोग अछूत हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाया, वो छूने के काबिल नहीं। किसने खाया? इस देश में वो अछूत हैं जिन्होंने इंद्र मेघवाल जैसे बेटे को मारा। ऐसे लोगों का विरोध करिए, ये परिभाषाएं अब हम गढ़ेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। ये परिभाषाओं का जो खेल है, पाठ्यक्रम से लेकर के संविधान की इंटरप्रिटेशन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब कोई व्यक्ति बेल भी लगाता है तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों की बेल ऐसे खारिज करके फेंक दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरप्रिटेशन का अधिकार मिल गया। मंदिर का उसको हम कहते हैं न्यायालय, मंदिर है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, हाथरस में एक बिटिया जिसके साथ गैंगरेप करके मर्डर किया जाता है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी का तेल डाल करके जला देती है। उस मुकदमे को मैं लड़ रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। सारे आर्गुमेंट सही है, सब चीज सही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस के हाथ कांप रहे हैं सही निर्णय देने। लड़ाई झगड़ा करके, आर्गुमेंट करके अपने फेवर में मैंने निर्णय कर पाया, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लोग ये बात करते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन से देश की तरक्की रुक गई, ये लोग काबिल नहीं होते। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, एससी एसटी ओबीसी का बच्चा बहुत काबिल है, अगर ना काबिल है तो रिजर्वेशन के कोटे पर जाने वाले स्कूल में सीटें खरीद करके पढ़ने वाले फर्जी हॉस्पिटल बना करके लोगों को डेथ होने के बावजूद भी उन लोगों को, मरीजों को चार चार दिन तक वेंटिलेटर पे रख करके करोड़ों रुपए वसूलने वाले, जिनके अंदर ना नैतिकता है, ना जिनके अंदर समानता की भावना है, ना जिनके अंदर मानवता की भावना है, लेकिन एक आप ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बच्चे को उठा करके देखिए, अगर यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट होगा हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर करके भागते हैं, लेकिन जो दूसरे अपने आप को दावा करते कि वो सत्ता का संचालन करते कुचलते हुए भाग जाते, एक्चुअल में मानवतावादी कौन है, एक्चुअल में राष्ट्रवादी कौन है? अगर हम बॉर्डर पे जाकर के सर्वे कर लें, जितनी भी डेड बॉडी आती है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे कुछ का हो, आप उन बच्चों को उठा करके देख लिये, उन हमारे सपूतों को, किस समाज के बच्चे?
भागीदारी हम करते हैं देश में बॉर्डर अच्छा करने की। किसान बनकर हम फसल उगाएंगे, मजदूरी हम करेंगे। अभी नई पार्लियामेंट बना रहे हैं ना आप, देख लीजिए खून पसीने की कमाई किसकी है वहां पर, हम लोगों की। लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात करें और आरक्षण की बात करें, पहले 49% आरक्षण था, बाद में उन्होंने ईडब्ल्यूएस का बढ़ा करके और कर दिया। आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर जो रिजर्वेशन 49% पहले दिया जाता था, जिसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे आ रहे थे, उसके अलावा अगर वो बच्चे चाहे जनरल कैटेगरी में फाइट करे तो उनको रोक दिया जाता था। इसका मतलब कि जो 51% रिजर्वेशन था वो किसको दिया जा रहा था, रिजर्व वो था, रिजर्व ये नहीं था। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है, करीब 80% और वहां पर 20%, 15% पे आपने 50% आरक्षण दे रखा है। लेकिन यही तो इंटरप्रिटेशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जहाँ पर मैं अधिवक्ता हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे बेंच में बैठे हमारे जस्टिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, देश में रिफॉर्म भी हुए। बाबा साहब कहते थे संविधान हमने बना तो दिया है, लेकिन इसको लागू करने वाले की, इंटरप्रिटेशन करने वालों की अगर मनसा सही नहीं हुई, इस देश का भला नहीं हो पाएगा। कैसे हम दावा कर सकते हैं कि इस देश की 90% आबादी आज बेसिक अपने फंडामेंटल राइट के लिए, फूड के लिए, सही सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही, अच्छी स्कूल व्यवस्था के लिए संघर्ष करी, वो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के समृद्ध भारत बनेगा क्या? असली देशद्रोही आप लोग हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, जो देश इस देश की 90% जनता को शोषित पीड़ित वंचित रखना चाहता है और 10% हिस्सा 90% 10% आबादी को देना चाहता है, वो 10% आबादी इस हमारे भारत देश की सबसे बड़ी राष्ट्रद्रोही संख्या है। हम 90% राष्ट्र के सपोर्टर है, राष्ट्रभक्त है। आप लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर आज यहाँ पर ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, किसमें रिजर्वेशन? जब मंडल कमीशन आया शैक्षणिक संस्थानों में और पार्लियामेंट में हम लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आप लोगों ने कभी सोचा कि जब ये रोड बनते हैं इसमें जो ठेके दिए जाते हैं वो किन लोगों को दिए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि इस देश के अंदर जो तेल के कुएं हैं माइनिंग के लिए दिए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं? क्या आपने सोचा कि नीति आयोग में जिन आयोग के सदस्यों को अध्यक्षों को बनाया जाता वो कौन लोग हैं? कम से कम इस देश के अंदर 50% से ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें कहीं आप लोग हैं? सीबीआई में कहीं हैं आप? सेक्रेटरी लेवल पे आप लोग हैं? यूनिवर्सिटी में चांसलर आप लोग हैं? जहां पर नीतियां बनती हैं हमें वहां हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि अगर हम नीति निर्माता बनेंगे तभी हम देश की 90% आबादी के लिए नीतियां बना पाएंगे। और उन नीतियों में हम वो कभी भेदभावकारी रवैया नहीं अपनाएंगे जो पावर में बैठे आज लोग अपना रहे हैं। आपका चरित्र भेदभावकारी है, आप नैतिक नहीं है, आप अनैतिक है, आप मानवता का हनन करने वाले लोग हैं, आप संविधान को रोंदने वाले लोग हैं। और इस देश की जो 90% आबादी है वो असल में राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र का सम्मान करती है। इसीलिए हम सबको यूनाइट होने की आवश्यकता है। एक नारा दिया गया, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हमारे बच्चों ने शिक्षा भी ले ली और दूध पी करके जंतर मंतर पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके हम लोग दहाड़ रहे हैं। आउटपुट क्या निकल रहा? क्योंकि नौकरियां नहीं है, उनको पता है कि अगर हमने नौकरियां जनरेट की तो आपके हाथ में पैसा आएगा तो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आप अच्छी एजुकेशन लेंगे, आप बिजनेस करेंगे, तो आप हमें वोट क्यों करेंगे? आप वोट तो हमें तब करेंगे जब हम आपको 5 किलो राशन देंगे और चुनाव के समय 2000 रुपए दे देंगे और आपका वोट ले लेंगे।
इसलिए आपको आर्थिक रूप से कमजोर रखना जाना चाहते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर अगर इतनी बड़ी संख्या मात्र एक बार इस दिल्ली की राजधानी में अगर हम 10 लाख की संख्या में भी निकल आए, मैं दावे के साथ कहती हूँ आगे आने वाला 2024 के चुनाव से पहले ये लोग जातिगत जनगणना करवा देंगे, ये दावे के साथ कहती हूँ। ये लोग षड्यंत्र करके सत्ता में इसलिए काबिज हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमी है। इस देश के अंदर जब ब्रिटिश राज था तब भी बहुत सारी चीजों में हम बटे हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ हम एकजुट थे। वही एकजुटता की जरूरत है। ओबीसी समाज, एससी एसटी माइनॉरिटी सबको यूनाइट होकर के संविधान बचाने की, ओबीसी के रिजर्वेशन की, ओबीसी की जात का जनगणना होने की, सारी चीजों की लड़ाई लड़ने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोगों का मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन सफल होगा और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। बस आप लोग इसी तरीके से यूनाइट रहिए। जय भीम, जय भारत, जय ज्योति, जय संविधान, जय हिंद।